आज मैं बनाने जा रही हूँ एग मसाला, जिसके लिए मैंने अनियन को रफली चॉप कर लिया है, टमाटोस भी चॉप कर लिए हैं और ये गार्लिक को भी चॉप कर लिया है और ये दो तीन हरी मिर्ची हैं, थोड़ा सा जीरा, बटर और ये। आपको मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है कि जब मैं श्रीनगर में पोस्टिंग थी 2005 में, तो हम लोग मैं CRPF में जॉब करती थी पहले, तो मेरी वहां पे पोस्टिंग थी, तो हमें मेस से खाना आता था, तो खाना बहुत अच्छा होता था मेस का, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता ना, एक अपना तड़का चाहिए होता था। तो मैं श्रीनगर में होटल ड्यूक में हम लोग रहते थे, हमारी फ्रेंड थी, मेरी एक फ्रेंड थी मधु बसेरा, जो अभी मेरी रिलेटिव भी है, तो हम मेरी और उसकी मोस्टली एक साथ कहीं भी आउटपोस्ट जाना पड़ता था, तो हम बनाते थे एग मसाला, बड़ा शॉर्टकट में बनाना पड़ता था, वहां पे कांगड़ी होती थी तो कांगड़ी में ही हम बनाते थे, तो मैं किस तरीके से बनाते थे और उसका क्या टेस्ट आता था, मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की बनती थी, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, और एकदम झटपट से बनती थी, तो मैं आज उसी तरीके को उसी तरीके से बनाऊंगी। तो मेरा नाम शर्मिला, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शर्मिला डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा डालना है, और फिर हम इसको बनाएंगे बटर में। ये बटर मेरा गल गया, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, ये मैंने अनियन डाल दिया, गार्लिक भी डाल दिया, अब मैं इसमें एक दो हरी मिर्च कटे हुए डाल देंगे, हमने प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस जस्ट हल्का सा पिंकिश करना है, मतलब कि ट्रांसल्यूसेंट करना, और अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने टमाटो चॉप किए, थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी जिससे कि हमारे टमाटर गल जाएंगे, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा धनिया और हल्दी डाल देंगे, जब तक मेरा ये थोड़ा सा गल रहा है टमाटर, जब तक ये थोड़ा टमाटर प्याज पक रहा है, तब तक मैं अंडे छील लेती हूँ। एग में कट के निशान लगा दूंगी जिससे कि एग में फ्लेवर अच्छे से चला जाए। अब हम अंडों को मसाले में थोड़ी देर के लिए, एक दो मिनट के लिए सौते कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा हाफ कप पानी मिला सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा ग्रेवी चाहिए, और मुझे तो नहीं चाहिए तो मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगी, आप चाहे तो मिला सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैं इसमें हरी धनिया डाल दूंगी। अब मैं एग मसाले को बोल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। मेरा एग मसाला बनके तैयार है और देखने में बहुत ज्यादा ही टैम्पटिंग है, आप सभी लोग ट्राई करिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे साथ यूं ही जुड़े रहें। मैंने इसको रोटी के साथ सर्व किया है, आप चाहे तो एग मसाला को पराठे के साथ, रुमाली रोटी के साथ, पाव के साथ, किसी के चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगता है, आप भी ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।